पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जाजा बच्चै रयणी ने सा पडि नियत्तै धम्मं तु कुण मानस्य सफला जन्ति राइयो। जाजा बच्चै रयणी ने सा पडि नियत्तै अहम्मं कुण मानस्य अफला जन्ति राइयो। आश्रय दुनिया में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चार दृष्टियां हैं, चार चीजें हैं। इनमें एक है काल और एक है क्षेत्र, स्पेस और टाइम। कोई भी कार्य हमें करना है तो समय चाहिए और स्थान चाहिए। स्थान और समय ये दोनों ही न मिलें तो कार्य करना असंभव हो सकता है। चाहे पढ़ाई करनी है, विद्यार्थी को पढ़ना है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ने के लिए कोई स्थान चाहिए। चाहे पेड़ के नीचे का स्थान मिले, चाहे स्कूल में कमरे मिले और कोई मैदान मिले, कोई तो स्थान चाहिए जहाँ ठहर कर विद्यार्थी पढ़ सके। टाइम चाहिए, का टाइम नहीं मिलेगा तो बिना टाइम मिले तो पढ़ाई कैसे होगी। कि संतों को व्याख्यान देना है तो व्याख्यान के लिए स्थान तो चाहिए ना, कहाँ व्याख्यान दें। टाइम चाहिए, इस टाइम व्याख्यान देना है। तो कोई भी कार्य देख लो, आपको रसोई बनानी है तो कोई स्थान चाहिए। डेरे लगे हुए रहते हैं, डेरे साथ में चलते हैं। कि खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए कोई स्थान तो चाहिए ना, कहाँ खाना बनाएं। टाइम भी चाहिए, जितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, कुछ मिनट। तो स्थान और समय, क्षेत्र और काल, ये दो चीज़ें हर कार्य के संपादन के लिए आवश्यक होती हैं। यह सारा आकाश अपने आप में एक क्षेत्र है, अनंत आकाश फैला हुआ है। टाइम भी अनंत है, अनंत समय बीत गया, अनंत समय और आगे बीत जाएगा। तो यह काल एक ऐसा तत्व है जो हमें फ्री निःशुल्क मिलता है। प्रत्येक दिनांक में ये जो 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटों के कोई रुपये नहीं लगते कि 24 घंटे रोज मिलते हैं इतने रुपये देने पड़ेंगे। हाँ, बिजली का मान लो बिल आ जाए, पानी का बिल मान लो रुपया चुकाना पड़े, पर टाइम जो मिलता है 24 घंटे, उसका कोई बिल चुकाने की, कोई बिल भरने की, कोई पैसा देने की, पेमेंट करने की अपेक्षा नहीं पड़ती है। फ्री में सबको मिलता है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, गरीब से गरीब आदमी को भी 24 घंटे मिलेंगे, अमीर से अमीर आदमी को भी 24 ही घंटे मिलेंगे। कोई पक्षपात नहीं है कि गरीब को तो कम टाइम मिलेगा, अमीर को ज़्यादा मिलेगा। ऐसा काल के दरबार में कोई पक्षपात नहीं होता है। काल का एक अर्थ है मृत्यु, तो मृत्यु के दरबार में भी कोई पक्षपात नहीं होता। बड़े से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी हो, मृत्यु का नियम सबके लिए एक समान रूप से लागू है।
कि जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्यम भावी है। कोई कितनी ही बड़ी रिश्वत देने को लग जाए काल को, मृत्यु को, कि इतनी बड़ी रिश्वत है, मुझे तो छोड़ दो, इतनी निष्पक्ष है यह मृत्यु, कोई रिश्वत स्वीकार नहीं उसको, नियम सब पर लागू होता है। तो यह दुनिया में निष्पक्षता, कि कोई कहे निष्पक्षता, निष्पक्षता सीखनी है तो काल से हम सीखें। सबको बराबर टाइम मिलेगा, है काल का दूसरा अर्थ है मृत्यु, वो सबके लिए नियम लागू होगा, किसी को बख्शीश नहीं होती मृत्यु की ओर से। कोई बड़े लोग प्रसन्न हो जाएं, किसी को बख्शीश कर दें, कोई किसी को जमीन दे दे और दे दे के बख्शीश में दे रहे हैं, परंतु काल किसी को कुछ बख्शीश में नहीं देता, यह निष्पक्षता है। तो दुनिया में निष्पक्षता सीखनी है तो काल से हमें सीखनी चाहिए, सीख सकते हैं। तो टाइम अर्थ है काल का, समय, समय बीत रहा है, वर्तमान समय वर्तना करता है, बीत रहा है, और यह बीतते रहना, यह मानो काल का अपना एक क्रम है, कि काल चलता रहता है, क्षण 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 बीत रहे हैं। घड़ी में देखें, सेकंड का सुइया चलता है, वो गया, वो अगली आगे गया, सेकंड का सुइया जैसे कितना जल्दी यूँ चलता चलता दिखता है, मिनट का सुइया तो मान लो यूँ चलते हुए इतना नहीं दिखाई दे, सेकंड वाला सुइया है वो अपनी गति से चलता हमें दिखता भी है। ये काल भी चलता है, रुकता नहीं कहीं पर भी। आप लोग तो मान लो कि रोड पर जाम हो गया, रुकना पड़ गया, जाम हो गया, काल में कोई जाम नहीं होता, एकदम निर्बाध गति से काल गति करता है। घड़ी तो भले रुक जाए, घड़ी को तो कोई रोक दे भले, पर घड़ी को रोकने से काल नहीं रुकता। घड़ी भले बंद हो जाए, काल की गति कभी बंद नहीं होती। एक वो गांव का आदमी था, तो किसी से कोई गांव के लोगों से थोड़ा कहा सुई सुनी झगड़ा सा हो गया, तो वह थोड़ा यूँ गांव का साधारण सा आदमी था, तो बोला मेरे मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मेरे मुर्गे को आवाज़ नहीं करने दूंगा, सुबह तो सूरज कैसे उगेगा, मेरा मुर्गा आवाज़ नहीं करेगा तो सूरज कैसे उगेगा। तो मुर्गा आवाज़ भले न करे, सूरज अपने हिसाब से उग जाएगा। तो मुर्गे की आवाज़ से सूरज बंधा हुआ नहीं है कि आवाज़ हो तो ही उगूंगा मैं। इसी प्रकार यह काल का अपना नियम है, चक्की चले यह काल की कोई रोक ना सकी। काल का जो चक्र है इसको कोई रोक नहीं सकता। जैन दर्शन में 12 अर 6 अर अवसर पिणी के और 6 अर उत्सर पिणी के, यूँ 12 अर का एक काल चक्र होता है। जैसे घड़ी में ये 12 अंक होते हैं, घड़ी का सुइया यूँ चलता है, इसी प्रकार ये मतलब 12 अर की, हालांकि घड़ी की तरह तो भले नहीं भी माने पूरी तरह, पर अर वो काल के चक्र के 12 हैं, ऊपर से यानी वो ह्रास और विकास, ह्रास और विकास, सृष्टि का यह क्रम चलता है। तो अब बात यह है कि समय को रोकना हमारे वश की बात नहीं है, रोकें भी क्यों समय को, समय को बढ़ने दो, बढ़ने दो। हमें ध्यान यह देना है समय के साथ हम भी बढ़ें, हम भी बढ़ें, समय और हम साथ साथ बढ़ें, आगे चलें। समय तो बढ़ेगा, हम पीछे ही रह गए, विकास नहीं किया तो हम पीछे हो गए। तो समय आगे बढ़ता है तो हम भी आगे बढ़ें, विकास अच्छी दिशा में विकास करते रहें।
तो यह समय और हमारा चलना साथ साथ होता रहे, हम विकास करते रहें। समय हमें मिलता है यह फ्री में मिलता है, पर समय का बड़ा महत्व है। टाइम इज मनी, समय धन है। हमारे मुनि श्री बालचंद जी स्वामी गंगाशहर वाले याद आ गए मुझे, हमारे गुरुकुलवास में रहने वाले, प्रायः बरसों तक गुरुकुलवास में रहे थे। गुरुदेव तुलसी के निजी, जो निजी सेवा करने वाले, पास रहने वाले मुनि श्री बालचंद जी स्वामी, और गुरुदेव यों लोगों को सेवा और कराते, या कभी प्रोग्राम में देरी जो भी हो जाती तो वो मुनि श्री बालचंद जी स्वामी थोड़े से टेढ़े से बोलते कि टाइम इज नो मनी। वो अपने लहजे में यों बोलते, मुझे याद आ रहा है, यानी कितनी देरी हो गई, टाइम इज नो मनी, कितनी देरी कर दी प्रोग्राम में और में बात में, कितनी देरी हो गई, टाइम इज नो मनी। तो वो टाइम इज मनी है, समय एक धन है। तो इस धन का हम उपयोग कैसे करें, कंजूस आदमी की तरह करें। जैसे कंजूस आदमी है वो सोच सोच कर पैसा खर्चता है, कि हर किसी सोच सोच थोड़ा थोड़ा पैसा खर्चता है, इसी तरह कंजूस की तरह हम समय का सोच सोच कर बढ़िया उपयोग करें कि मेरा समय किस कार्य में लगना चाहिए, कितने महत्वपूर्ण कार्य में मैं अपने समय का नियोजन कर सकता हूँ। अब मेघ बरसता है, मेघ तो एक समान बरस रहा है, अब उपयोग की बात है। एक घर में कुंड है तो छत पर नाला है, नाले में से पानी होकर के कुंड में आ गया, कुंड में संरक्षित हो गया, अब पार्लर पानी हो गया, कई दिनों तक कुंड में निकाल निकाल के अच्छा पार्लर पानी पीते रहो, यह पानी का एक कितना उपयोग हो गया। एक आदमी है कभी पानी का नाला है उधर उठाट का, बाल्टी में पानी भर लो, बाल्टी भर गई, स्नान कर लेंगे, कोई काम आ जाएगा, ऐसे काम हो गया। या बच्चे आदि के बरसात में कपड़े उतार दो ऊपर के, स्नान हो जाएगा, भीग जाएंगे, स्नान हो जाएगा। गर्मी में अलाइयाँ वगैरह होती है, बरसा में भीग गए दो तीन बार, तो अलाइयाँ सब ऐसे काफ़ी ठीक हो सकती है। ऐसे पानी का उपयोग कर लिया। अब एक पानी गंदे नाले में चला गया, वो पानी एक तरह से बेकार सा चला गया। तो पानी तो एक समान रूप से बरसता है, कौन उस पानी का क्या उपयोग करता है, यह अपने अपने विवेक की बात होती है। इसी प्रकार यह समय तो सबको मिलता है, कौन क्या उपयोग इस समय का करता है, बस यह विवेक की बात होती है। 24 घंटे मिलते हैं प्रत्येक दिनांक में, 24 घंटों का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह हो जाए कि मैं समय का 24 घंटों का किस रूप में उपयोग कर सकता हूँ। अब एक तो आदमी ऐसे ही बैठा है, बस ठीक है, समय बीत गया, सामान्य रूपेण समय बीत गया। एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ अपना टाइम टेबल बना लिया, यह काम करना, तो बढ़िया समय का उपयोग हो ये घड़ी रखी जाती है तो घड़ी का बढ़िया उपयोग तो हो, इतने बजे यह काम करना, इतने बजे यह, तो घड़ी का उपयोग है। घड़ी हाथ में बांध रखी है, ठीक है, टाइम की जानकारी तत्काल मिल जाए हाथ में, घड़ी है तो, पर समय को देखने की सुविधा हमें प्राप्त है तो समय का बढ़िया उपयोग भी करें, भी एक घंटा यह काम कर लूँ, फिर यह काम कर लूँ, फिर यह बढ़िया काम कर लूँ। तो समय का यह समय ज्ञापकम यंत्रम, समय ज्ञापक यह यंत्र है। तो कर भूषणम, यह हाथ का एक भूषण सा आभूषण सा है, घड़ी है। मूल यह घड़ी समय की जानकारी देने के लिए है, ताकि आदमी
टाइम पर अपना काम कर सके, तो घड़ी का बड़ा महत्व है, उपयोग है। घड़ी के बिना थोड़ी कठिनाई हो जाए कि इतने बजे का टाइम दिया हुआ है, घड़ी पास में है नहीं, तो थोड़ा एक गड़बड़ मामला हो सकता है। तो घड़ी का उपयोग है, हम घड़ी का उपयोग समय का अच्छा मैनेजमेंट करने में अगर करते हैं तो घड़ी की ओर ज़्यादा अच्छी सार्थकता हो सकती है। अब जैसे सामायिक है, हमारे यहाँ यह सामायिक चलती है जैन धर्म में, बहुत बढ़िया अनुष्ठान है। अब सुबह सुबह अगर सामायिक हो गई, ठीक है, छोटे बच्चों को मान लो इतना नहीं बैठे, किशोरों को मान लो नहीं बैठे, एकदम युवकों को रोज सामायिक मान लो नहीं हो पाए, 50 वर्ष पार हो चुके हैं, आधी शताब्दी जीवन की बीत गई है, अब तो ध्यान दो भी सप्ताह रोज एवरेज में सामायिक हो सके तो वैसा प्रयास करें भी एक सामायिक हो जाए, अगर संभव हो तो सुबह सुबह हो जाए, उठे कोई शारीरिक काम करना वो निवृत्त हो गए, अब एक सामायिक कर लें, अमृत है सुबह सुबह की सामायिक, मानो अमृत है, अमृत बेला और अमृत का यह कार्य। तो 50 वर्ष आ चुकने के बाद अब कोई विशेष परिस्थिति कार्य तो अलग बात है, बाकी अपनी दैनंदिन चर्या में दिनचर्या में भी सुबह उठने में ज़्यादा देरी न करें, अगर 4:30-5 बजे 6 बजे जल्दी उठना हो जाए, फिर अपना और नाश्ते से पहले पहले एक सामायिक हो जाए, तो यह क्रम एक टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत बन जाए। ये 50 वर्ष आ गए हैं, 6th दशक शुरू हो गया है, एवरेज में कभी मान लो फ्लाइट है और है, नहीं कर पाए, आगे 2 कर लो, उसकी पूर्ति कर दो, या सुबह जल्दी उठ के अपनी आदमी सामायिक का फ्लाइट है 8 बजे की, 3 बजे उठ के मान लो अपने सामायिक का काम हो गया, अब आगे जाना करना, एयरपोर्ट जाना करना, वो सारे, तो ऐसे अपना टाइम को सेट कर ले कि एक सामायिक रोज हो जाए, कदाचित सुबह नहीं तो शाम को कर ली, या आज नहीं तो कल परसों 2-3 कल के उसकी पूर्ति कर दें। यों गृहस्थ भी समय का सम्यक उपयोग करने का प्रयास करें, और आदमी की दिनचर्या अगर व्यवस्थित हो, एक ही जगह रहना है घर में, तो सामान्यतया दिनचर्या भी इतने बजे करीब सामायिक करना और कोई काम, दिनचर्या ठीक होती है, थोड़ा बहुत अपेक्षानुसार चेंज भी कभी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सामान्यतया अपना टाइम सेटिंग, टाइम बिल्कुल सेट रहे कि भी इतने बजे यह काम कर लें, तो हम समय को बर्बाद होने से या व्यर्थ जाने से बचा सकते हैं और अच्छा उपयोग उसका कर सकते हैं। शास्त्र में जो गौतम के नाम संदेश है, समयम गोयम मा पमायै, यानी समय मात्र भी प्रमाद मत करो, समय को, यानी हम यूं सोचें समय को प्रमाद में मत बिताओ, समय को प्रमाद युक्त मत करो। तो यह इस सूक्त का जो अर्थ है, समयम गोयम मा पमायै, एक तो यह भी समय मात्र भी प्रमाद मत करो, एक दूसरा मन में यह आया है इसका एक भाव या तात्पर्य कि समय को प्रमाद युक्त मत करो, समय को प्रमत्त मत करो, समय को प्रमाद में मत बिताओ, समय का यानी हम अच्छा उपयोग करें, प्रमाद में न बिताएं। तो यह उत्तराध्ययन का जो एक 10वां अध्ययन है, बार बार श्लोक के ये अंत में समयम गोयम मा पमायै, समयम गोयम मा पमायै, समय को व्यर्थ मत गमाओ, समय को प्रमाद में मत गमाओ, क्योंकि गया हुआ समय लौटता नहीं, जो रात बीत गई है वह रात वापिस नहीं आती, धर्म करने वाले की रात्रि सफल हो जाती है, अधर्म करने वाले की रात्रि अफल रह जाती है, तो हम हर रात्रि को, हर दिन को सार्थक
धर्मयुक्त बिताने का रखने का प्रयास करें तो यह क्षेत्र और काल, स्पेस एंड टाइम, हम हर कार्य के लिए हमें स्थान भी चाहिए और समय भी चाहिए, हम स्थान और समय का बढ़िया उपयोग करें, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्म। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवध्यायानम, नमो लोए सब्बसाहूनम, एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवई मंगलम, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसंति
जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहंवासं चक्कवट्टी महिद्धियो संति संति करे लोए पत्तो गईमणुत्तरम देव दानव गंधव्वा जख रखस किन्नरा बंभयारिं नमं संति दुक्करं जे करंति तम मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलं मंगलं मतिमान भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचंद्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलं तेरा पंथोस्तु मंगलं विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।